सुप्रभात बच्चों, आज हिंदी में हम करेंगे ओ और औ की मात्रा के प्रश्न अभ्यास। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ चित्र दिए गए हैं आपको। इन चित्रों में आपको सही स्थान पर नाम के सही वर्ण पर आपको ओ और औ की मात्रा लगाकर उसको शब्द को पूरा करना है। ठीक है, तो सबसे पहला चित्र है ये तोता। तो तोता कौन सी मात्रा लगेगी, ओ की औ की? अगर आप ओ की लगाएंगे तो तोता होगा, औ की लगाएंगे तो तौता होगा। तो कौन सा सही है, ओ की मात्रा। तो आप यहां पे लगाएंगे तोता। फिर है दूसरा चित्र घोड़ा। घोड़ा होता है कि घोड़ा होता है, घोड़ा ओ की मात्रा। तो यहां पे आप ओ की मात्रा लगाएंगे घोड़ा। फिर ये है किसका चित्र, कौवा। ठीक, तो कौवा कौन सी मात्रा आएगी, क में औ की मात्रा कौवा। ठीक, फिर दूसरा चित्र है तौलिया। तौलिया तो औ की मात्रा आ रही है, औ की मात्रा का स्वर आ रहा है, तो त डंडी और ई में औ की मात्रा तौलिया। फिर है रोटी, उसके नीचे जो चित्र है रोटी, र में ओ की मात्रा रोटी। और आखिरी चित्र है नौका, तो न औ का नौका। तो इस तरह से आपने औ और औ की मात्रा लगाकर इन चित्रों के शब्दों को आपने पूरा किया। अब आता है ये शब्द दिए हैं, इनमें आपको औ की मात्रा लगानी है और इन शब्दों में ओ की मात्रा लगानी है। ठीक है, तो हम लगाएंगे आपकी बुक में जो लाल रंगीन वर्ण लाल रंग से लिखा है उसी में आपको मात्रा लगानी है। ठीक है, तो ये है औ की मात्रा, कौन की लौना, मौन मौन, ये तो होगी औ की मात्रा के सारे शब्द। ठीक है, अब ये है ओ की मात्रा, तो मोर, शोर, मोटर। ठीक है, तो इस तरह से आपने औ और ओ की मात्रा लगाकर इन शब्दों को आपने पूरा किया। अब तीसरा प्रश्न है, औ की मात्रा वाली दो खाने की वस्तुओं के नाम लिखो। ऐसी कौन सी खाने की वस्तु जिसमें औ की मात्रा लगती है? यस, प पौड़ी और क चौड़ी। पकौड़ी या कचौड़ी लिखकर आप इन दो स्थान पर लिखकर उसको पूरा करेंगे। तो इस तरह से ये प्रश्न आप अपने पुस्तक से प्रश्न 41 आप पूरा करेंगे और लिखाएंगे।